आज हम देखेंगे चैप्टर 4, है ना। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका था, अब हम देखेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 के अंतर्गत क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, मतलब जनन स्वास्थ्य। तो हम जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूरी जनन संबंधित जो भी बीमारियां हैं, है ना, जो भी उनके कंट्रोल के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, या जनन संबंधित क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या लाभ होती हैं, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्वस्थ क्या होता है और बीमारी क्या होती है, है ना। तो स्वस्थ किसको बोलेंगे, तो वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की मानसिक, सामाजिक, भौतिक रूप से विकृति विहीन हो, है ना। मतलब जैसे कि हम अपने दिनचर्या में जो भी कार्य कर रहे हैं, तो यदि हम उसको प्रतिदिन कर रहे हैं तो हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन यदि हमारी दिनचर्या में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि अगर हम रोज़ सुबह उठ रहे हैं, तो यदि हम कहीं लेट से उठे, है ना, या हमको आलसपन लग रहा है, या हमें कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, तब हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम बीमार हैं। तो जो हमारी दिनचर्या जो प्रतिदिन चलती है उसका मतलब होता है स्वस्थ। और यही यदि उस दिनचर्या में अगर कोई भी रुकावट आ गई या अनियमितताएँ आ जाती हैं किसी कारण से, तो उसको बोल दिया जाता है बीमारी। तो यहाँ पर एक सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि स्वस्थ क्या है, है ना। तो जो भी व्यक्ति है, तो उसकी मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से, मतलब उसकी शारीरिक, दिमाग से, है ना, उसका जो शरीर है, और सामने वाले यानी कि समाज में, मतलब कि आसपास के उसके वातावरण में, है ना, कोई भी विकृति ना हो, है ना, तो उसको बोलते हैं स्वस्थ व्यक्ति। अब बीमारी क्या होता है, तो व्यक्ति या जीव, है ना, कोई भी जीव हो जिसकी संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से क्या हो, विकृति या अनियमितताएँ हैं। तो मतलब यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जो भी जीव हैं, यदि वो अपने कार्यों में, है ना, किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ बरत रही हैं, मतलब जैसे कि अगर प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार की क्या हो रही है, अनियमितताएँ आ रही है, अगर वो उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बीमार बोला जाता है, ठीक है। तो स्वस्थ और बीमारी, यह अंतर आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो प्रजनन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब हमको पता है कि हमारे यदि सभी भौतिक, सामाजिक, मानसिक रूप से यदि हम क्या हो, विकृति विहीन हो, कोई भी अनियमितता ना हो, तब वो स्वस्थ है। अब प्रजनन स्वास्थ्य किसको बोल देंगे, कि जो भी प्रजनन संबंधित अंग होंगे, है ना, यदि वो सभी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, है ना, मतलब सामान्य रूप से हैं, तब उसको बोलते हैं प्रजनन स्वास्थ्य, है ना, और इसी को बोल देते हैं स्वस्थ समाज। तो प्रजनन अंग शारीरिक रूप से, प्रकार्यात्मक रूप से, मतलब शारीरिक रूप से भी और कार्य करने के रूप से भी, है ना, जो भी उनके कार्य हैं प्रजनन अंगों के, यदि वो सामान्य रूप से चल रहे हैं, तब हम उसको बोल देते हैं स्वस्थ समाज, है ना, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को आपस में मिलाकर हम उसको बोल देते हैं स्वस्थ समाज। तो प्रजनन स्वास्थ्य का क्या क्या महत्व होता है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहला महत्व क्या होता है कि स्त्री पुरुष दोनों में क्या आती है, जागरूकता आती है, है ना, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य यदि उनमें ठीक है, है ना, यदि वो क्या है, प्रजनन के बारे में उनको पता है, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, तो क्या होता है इसमें कि स्त्री पुरुष दोनों में जागरूकता आती है ना। फिर प्रजनन अंगों की स्वच्छता बनाए रखने के प्रति क्या होती है, जागरूकता मिलती है ना। यदि अगर समाज को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी जाती है, तो क्या होता है कि प्रजनन अंगों को किस प्रकार साफ़ सफाई से रखना चाहिए जिससे उनमें बीमारी ना हो, है ना, तो इनके प्रति भी लोगों में क्या आती है, जागरूकता आती है। प्रजनन विधियों के नियंत्रण हेतु जागरूकता आती है कि किस समय प्रजनन करना चाहिए, है ना, किस समय नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके प्रति भी लोगों को क्या होती है, जागरूकता आती है, है ना। और क्या होता है प्रजनन स्वास्थ्य से, कि यदि लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में पता है, है ना, यदि वो शिक्षित हैं इसके बारे में, तो उनसे जो भी प्रजनन संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, है ना, उनके प्रति वे क्या रहेंगे, जागरूक रहेंगे, जानकारी उनको होगी, है ना, तो वो आगे चल के वो गलतियां नहीं करेंगे। और क्या होता है, परिवार नियोजन करने की जानकारी मिलती है, मतलब फैमिली प्लानिंग की, जैसे कि अभी एक नारा चलता है, हम दो हमारे दो करके, है ना, तो फैमिली प्लानिंग करके ही क्या करना चाहिए, अपना आगे का फ्यूचर देखना चाहिए, है ना, कि जैसे कि अगर बच्चे हम कम ले रहे हैं तो आगे चल के क्या होगा, परिवार खुश रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या था, महत्व था। अब हम इसके आगे देखेंगे
कि इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, है ना, और क्या क्या कार्य नीतियाँ होती हैं। अब हम देखेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या होती हैं। यदि हम लोगों को या फिर कोई भी अगर जो मतलब व्यक्ति हैं, यदि उनको प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, है ना, तो उनसे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो पहला समस्या है टैबू, है ना। इसको क्या बोलेंगे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है ना, तो जो रूढ़िवादी सोच रहती है या जो तकियानुसी जो उनकी सोच होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि समस्याएं उत्पन्न होती है ना। तो जैसे कि हमारा जो भारत देश है, वहाँ पर कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के ऐसे रीति रिवाज हैं, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होता है कि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, प्रजनन स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न होती है ना। तो उसको बोला जाता है टैबू। तो बच्चों में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, है ना। इसमें क्या होता है टैबू में, कि जो लोग होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, बच्चों के सामने खुलकर इस प्रकार की चीज़ों में बात नहीं करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बच्चों को कोई भी चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से उनमें इस प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, है ना। दूसरी समस्या क्या होती है कि समय पूर्व विवाह। इसमें क्या होता है समय पूर्व विवाह में, कि कम विवाह में ही क्या कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। और कम विवाह में शादी करने के बाद क्या होता है कि छोटे उम्र में ही विवाह हो जाता है, और उसके पश्चात क्या हो जाते हैं, वो माता पिता भी बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस व्यक्ति में, है ना, जो यानी कि जो प्रजनन संबंधी जो भी उनके स्वास्थ्य होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरी तरीक़े से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें मृत्यु होने का भी खतरा होता है। पहले के ज़माने में कम उम्र में ही क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होती थी, मृत्यु होती थी, और कई प्रकार की बीमारियाँ भी होती थी। इसीलिए अभी क्या कर दिया गया है वर्तमान में, कि समय निर्धारित कर दिया गया है कि लड़कियों को 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं हो सकता और लड़कों का 21 वर्ष से विवाह नहीं हो सकता करके, है ना। तो ये सब समस्याएं हैं। तीसरी समस्या क्या थी कि बच्चों जैसे माता पिता, है ना, मतलब क्या था कि समय से पूर्व यदि उनमें विवाह कर दिया जाता था, है ना, तो उनके प्रजनन अंग पूरी तरीके से विकसित नहीं होते थे। उसी प्रकार बच्चों जैसे क्या थे, बच्चों जैसे माता पिता, मतलब कम उम्र में विवाह हो रहा था, वो तो खुद ही बच्चे हैं, है ना, और विवाह के बाद उनके और बच्चे हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों जैसे माता पिता, है ना, कि कम उम्र में ही माता पिता बन जाना और उनमें कई प्रकार की जानकारियों के लिए उनमें क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर है चौथी समस्या, कुरूपता। क्या होता है कि जब समय से पूर्व विवाह हो जाता है, है ना, तो जो भी माताएं होती हैं वो क्या होती है, कम उम्र की होती हैं, और उसी कम उम्र में क्या होते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चों में क्या होता है, कुरूपता होती है, मतलब उनमें किसी भी प्रकार के जो उनके अंग होते हैं उनमें अनियमितताएँ आ जाती हैं। तो ये भी एक क्या है, समस्या है। उसके बाद क्या है, जनसंख्या वृद्धि, कि यदि लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, है ना, तो क्या होती है कि अज्ञानता के कारण से जनसंख्याओं में वृद्धि होती है, है ना। उनको पता नहीं होता है कि अगर जितने कम फैमिली होंगे उतने ही क्या रहेगी, परिवार खुश रहेगी, है ना। तो अगर जिन व्यक्तियों को परिवार नियोजन या प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, कई संतानों को ले लेते हैं, जिसकी वजह से परिवार में क्या होती हैं, अनियमितताएँ आती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि भी क्या होती है, प्रजनन स्वास्थ्य की एक समस्या होती है। फिर छठवीं समस्या होती है महिलाओं का स्वास्थ्य। क्या होता है कि यदि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो कम उम्र में ही महिलाओं का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, है ना। और कम उम्र में विवाह होने के कारण से उनमें कई प्रकार की क्या आती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। तो ये भी क्या है, एक समस्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियाँ क्या क्या है, कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए कौन कौन से कार्य नीतियाँ अपनाई गई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।